अपनी नफरती वीडियोस और सोशल मीडिया पर अपने जहरीले बयानों के जरिए शोहरत की बुलंदी पर पहुंचने वाला एल्विश यादव भारी मुश्किलों में फंसता जा रहा है। इस खबर में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। रेव पार्टी में सांप के जहर की सप्लाई करने के लगे इल्जामों के बीच चार दिन तक लुका छुपी का खेल खेलने के बाद एल्विश आखिरकार यूपी पुलिस के सामने आ ही गया। मंगलवार आधी रात के करीब बड़े ही गुपचुप तरीके से वो नोएडा के सेक्टर 20 थाने पहुंचा। इसके बाद पुलिस उस पर लगे तमाम आरोपों के सिलसिले में 3 घंटे तक पूछताछ करती रही और फिर उसे घर जाने दिया गया, लेकिन साथ ही अगले दिन दोबारा हाजिर होने का नोटिस दे दिया गया। अब पुलिस इस केस के मुख्य आरोपी राहुल यादव के साथ बैठाकर एल्विश से पूछताछ करेगी। जानकारी के मुताबिक रात के अंधेरे में किसी शातिर अपराधी की तरह एल्विश यादव अपने वकीलों की पूरी टीम के साथ सेक्टर 20 थाने पहुंचा। नोएडा पुलिस के डीसीपी और एसीपी रैंक के अधिकारियों ने उससे सवाल जवाब किए। इनमें सांप के जहर की सप्लाई और रेव पार्टी से जुड़े कई सवाल थे। मसलन उससे उसके वीडियोस में दिख रहे सांपों, इस केस के मुख्य आरोपी राहुल यादव से मुलाकात, पार्टी में विदेशी लड़कियों के आने के जरिए मेनका गांधी के एनजीओ से संपर्क, उसके फोन पर हुई बातचीत, इन तमाम कांडों पर लगातार सवाल किए गए। इसके बाद नोएडा पुलिस ने उसके कॉल लॉग और पिछले लोकेशन के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए उसके मोबाइल फोन से डाटा भी मांगा है। बीजेपी सांसद मेनका गांधी की जानवरों की भलाई के लिए काम करने वाले एनजीओ पीपल फॉर एनिमल की एक टीम काफी दिनों से एल्विश यादव की फिराक में थी, क्योंकि एनजीओ को खबर मिल रही थी कि दिल्ली एनसीआर में कुछ ऐसी रेव पार्टीज भी होती हैं, जहां अमीरजादे नशे के लिए सांपों के जहर का इस्तेमाल करते हैं। चूंकि मामला बेहद संगीन था, पीएफए ने इस मामले से जुड़े सबूत जुटाने शुरू किए। इसी कड़ी में एक बड़ा प्लान किया गया, जिसके तहत एक स्टिंग ऑपरेशन भी किया गया। इस ऑपरेशन में एक एजेंट ने खुद को मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव का खास आदमी बताया था, जिसके बाद सारे पत्ते खुले और उस ऑपरेशन में जो ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है उसमें एक शख्स लगातार एल्विश यादव का जिक्र करते सुनाई देता है। फिलहाल नोएडा पुलिस इस बात को ही वेरीफाई करने की कोशिश कर रही है कि आखिर एल्विश यादव को लेकर की जा रही इन बातों में कितनी सच्चाई है और कितना दम है। वैसे भी पहले जब ये मामला सामने आया था तो बताया गया था कि एल्विश ऐसी रेव पार्टीज के रैकेट से जुड़ा है जिनमें सांप और उनके जहर का इस्तेमाल होता है। अब हकीकत क्या है वो नोएडा पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा। तो दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।